हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ एक, मेरा घर सारा संसार। पाठ परिचय। भारत के लोग विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। वे परस्पर प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। इस कविता में कवि देशकाल की जंजीरों को तोड़कर सभी जाति और धर्म के लोगों को अपना समझने और उनका दुख दूर करने की प्रेरणा दे रहा है। आइए कविता पढ़ते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कही रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजित्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100-100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसी इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग्य है। फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दिले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी। मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।